अब पूर्व पक्षी कहता है भाई अज्ञान का अनुमिति ये पक्ष कोटि में है या नहीं तुम्हारा, ये जो अनुमिति भी तो प्रमा है ना, आपने पक्ष में प्रमा ले लिया है, प्रमा के अंतर्गत यह अनुमिति भी है या नहीं, यदि है कहोगे तो आंशिक बात हो जाएगी, नहीं ये कहोगे तो व्यभिचार हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अज्ञान साक्षीवाश्वर के कारण से सदा ज्ञात ही है, वो अनादि है, सदा रहती है, सदा साक्षीवास है, उसका तो अज्ञान हो ही नहीं सकता, अज्ञान का अज्ञान तो होगा नहीं। आप अज्ञान सिद्ध कर रहे साध्य से पक्ष में और नित्य ज्ञात प्रमा है, फिर उसमें कैसे जाएगा, उस संश में साध्य न जाने से बाद हो गया। और यदि कहते हो नहीं जब पक्ष कोटि में नहीं रखेंगे फिर तो साध्य वो स्थल में हेतु व्यभिचार, हेतु तो ही उसमें असल में विचार दोष हो जाएगा। आप विचार करके देखें यदि अनुमिति को भी आप या अनुमिति किसकी हो रही है, अज्ञान की अनुमिति हो रही है, यह अज्ञान की अनुमिति को भी पक्ष कोटि में रख देंगे तो आंशिक बात हो जाएगा और पक्ष बहिर्भूत जा डाल दो वो तो वे विचार हो जाएगा, वह वृत्ति हेतु का है, साध्य भाव स्थल में हेतु चला जाएगा। तो ये पूर्व पक्ष का कहना है, उसको उठा रहे देखिए, अज्ञान से स्वरूपेण अज्ञान अविषयत्व तद भावत्वादिकम अज्ञान विषय भवत्येवा। सिद्धांत के जवाब सीधे भाई अज्ञान स्वरूपेण अज्ञान का अविषयत्व स्वरूपेण अज्ञान अज्ञान का विषय नहीं हो सकता, मैंने अज्ञान का विषय अज्ञान नहीं हो सकता, मैंने अज्ञान का अज्ञान नहीं हो सकता, नित्य ज्ञान हो रहा है अज्ञान का साक्षी वेद्य है, लेकिन कौन से अज्ञान का हमें साक्षी वेद्य हो रहा है, स्वरूपता है, लेकिन वो अनादित्व है उसमें, भावत्व उसमें, ज्ञान विरोधित धर्म वाला है, ये तो साक्षी वेद्य नहीं है ना। वही समझा रहे हैं स्वरूपेण अज्ञान का अविषयत्व अज्ञान से तद्भावत्वादिकम अज्ञान विषय तो भवत्येव, उस अज्ञान का तो भावत्व है वो प्रमाण वेद्य है, अज्ञान में जो अनादित्व है वो प्रमाण वेद्य है, अज्ञान में जो ज्ञान विरोधित्व है ये भी प्रमाण वेद्य है, वो साक्षी वेद्य नहीं है। सो उन धर्मों से विशिष्ट अज्ञान का अनुमिति सिद्ध करेंगे अब बात दोष नहीं रहेगा, स्वरूपेण ज्ञात भली अज्ञान का विषय अज्ञान नहीं हो सकता, भावत्व विशिष्ट अज्ञान है, अनादित्व विशिष्ट अज्ञान है, ज्ञान विरोध धर्म से विशिष्ट अज्ञान है, यह विशिष्ट अज्ञान तो हमारा अज्ञान का विषय बन रहा, इन चीजों का अज्ञान है, इस अज्ञान के विषय इस प्रकार से अज्ञान केवल अज्ञान नहीं हो सकता, उसको स्वरूपेण अज्ञान अविषय कह दिया कि तद भावत्व किंतु तद भावत्वादिकम अज्ञान विषय भवत्येव तस्य अज्ञान ग्राहक साक्षी अग्राह्यत्वात्, कि जो भावत्वादी है धर्म तस्य मन धर्मस्य तार्श धर्मस्य अज्ञान के जाग्राहक जो साक्षी है, जो साक्षी वेद्य अज्ञान है, जिस अज्ञान को साक्षी ग्रहण करे तार साक्षी के द्वारा वह अग्राह्यत्वात् भावत्व ग्रहण नहीं होता, जो प्रमाण का विषय इसे दोष दूर हो गया, अन्यथा तत्र विवादो न स्यात्। यदि भावत्वादि भी साक्षी वेद्य होता फिर हमारे आप में झगड़ा ही नहीं होता, हम कह रहे भाव रूपा और आप कह रहे भाव रूपा, सर्वानुभव हो जाता ना, फिर साक्षी वेद्य यदि है जो साक्षी वेद्य सर्वानुभव सिद्ध है, कि साक्षी वेद तो है नहीं, इस सब जगह साक्षी वेद्य जो वस्तु भेद नहीं होता, इसे सबके सुषुप्ति एक है, सुषुप्ति भेद क्यों नहीं होता, स्वप्न भेद जैसे कि साक्षी वेद्य से हम सुखम चाहे द्वैतिक है चाहे द्वैतिक है, अपने इस अनुभव का तो कुछ भी लगाते रहे लेकिन है साक्षी से कोई विवाद नहीं है, उस सुखानुभव में वहाँ के अज्ञान अनुभव में कोई विवाद है ही नहीं, क्यों साक्षी वेद्यत्वात्, यदि यहाँ पर भावत्व साक्षी वेद्य होता विवाद नहीं होता, द्वितीय विवाद कैसे करते हैं आप, वो ये कह रहे हैं अन्य तत्त्व विवाद न स्यात्, नहीं तो विवाद ही नहीं होता, इसे आपको मानना पड़ेगा भावत्व साक्षी वेद्य नहीं था, जिस विषय अंश में हमारा जो विवाद है उतना अंश साक्षी वेद्य नहीं है, जिस विषय में विवाद नहीं है उतना साक्षी वेद्य है उसी अज्ञान के मामले में, ये समझो। एवं इसी प्रकार से तो ज्ञान विरोधित्व जो रूप से ज्ञात न होने के कारण से अज्ञात है, अतः
उक्त अज्ञान अनुमिति में स्वनिवर्त ज्ञान पूर्वकत्व रूपी जो हमारा साध्य है उसका बाद नहीं होता। और यदि अज्ञान का भावत्वादि ज्ञान से भी अज्ञान न माना जाता तो द्वैतवादि के साथ विवादी नहीं होता। और बात कहने जा रहे हैं, जैसे अज्ञान स्वरूपत साक्षीग्राही होता है वैसे प्रमा भी केवल स्वरूपत ही साक्षीग्राही है, लेकिन प्रमा का जो भेदक विशेष है वो स्वरूपग्राही नहीं होता, वो तो इंद्रियादि प्रमाण सापेक्ष वही समझा रहे हैं। एवं प्रमाया स्व विषय आवरण अभाव पूर्वकत्वपि न प्रमा स्वरूप ग्राहक साक्षी ग्राह्यम, प्रमाग के स्वरूप के ग्राहक जो साक्षी के द्वारा ग्राह्य नहीं है। क्या प्रमा का स्व विषय आवरण अभाव पूर्वकत्वपि, स्व विषय आवरण के अभाव पूर्वकत्व प्रमा होता है, यह निर्णय कैसे हुआ साक्षी से नहीं। जैसे घट प्रमा हुआ, घट प्रमा का विषय कौन है घट, उस घट विषय आवरण के अभाव का तात्पर्य नष्ट, आवरण भंग होने पर ही घट प्रमा होगी, तो तारस घट प्रमा साक्षी वेद्य नहीं है सीधे, वो तो प्रमाण वेद्य वृत्ति वेद्य हो रहा है तो अभाव ही होना चाहिए। यह अभाव से पूर्व पक्ष का अभाव नहीं ले रहे ना, आवरण का भंग, आवरण अभाव पूर्वक की स्विषय का प्रमा होता है और वो साक्षी वेद्य नहीं है, ये कहना है यहाँ, इसे दीर्घ काटना नहीं चाहिए। हिंदी वाले क्या कर रहे देखो, जैसे अज्ञान स्वरूप साक्षीग्राही होता है वैसे प्रमा भी स्वरूप साक्षी के द्वारा गृहित होती है, किंतु प्रमा में स्विष आवरण भावरूप अज्ञान पूर्वगत, भावरूप अज्ञान पूर्वगत कह रहे हैं ना, आवरण अभाव, आवरण के अभाव को ही भावरूप अज्ञान पूर्वगत कह रहे हैं, शब्द अलग कर दिया ना, वही सिंधी के आधार पर कर दी होगी, वहाँ स्व विषय आवरण अभाव का नहीं ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है इन्होंने कहा स्व विषय आवरण भावरूप अज्ञान पूर्वकत्व, भावरूप अज्ञान पूर्वकत्व, इसको आपने कहा जो है अभाव पूर्वकत्व, वो अभाव पूर्वकत्व का तात्पर्य लिख दी भावरूप अज्ञान पूर्वकत्व, ये गलत तो है नहीं, मूल पाठ ठीक है। प्रमा स्वरूप ग्राहक साक्षी के द्वारा गृहित नहीं होता, अच्छा इस अज्ञान ग्राहक अनुमिति में साध्य और साधन दोनों के रहने से कोई दोष प्रसक्त नहीं होता। दृष्टांते च अंधकार अव्यवहितोत्पत्तिगतम विशेषणा, दृष्टांत में आपने जो दिया था कि क्या दिए थे, अंधकारे प्रथमोत्पन्न प्रभावत, अंधकारे प्रभावत इतने कहते प्रथमोत्पन्न क्यों ना, ये विशेषण आपने क्यों जी है दृष्टांत में, उसके यह पदकृति कर रहे हैं, शादी का पदकृति हो गया, हेतु का भी पदकृत कर दिए, इनकी भी आप प्रकाशक तो प्रकाश वर्त कर दिए, पक्ष का भी कर दिए थे, अब दृष्टांत के विशेषण पर बोलने लगे हैं। दृष्टांत में जो प्रथमोत्पन्नत्व जो विशेषण हमने दिया है सीधा अंधकार प्रभावत ऐसे नहीं कहा हमने, किंतु क्यों दिया वो बता रहे, अंधकार अव्यवहित उत्पत्तिकत्व प्रथमा उत्पन्नत्व, ये विशेषण है प्रभाव का, क्योंकि सामान्य प्रभाव सर्वत्र है, अंधकार में भी आत्म चैतन्य है, आत्म प्रकाश वहां भी है ना, सामान्य प्रभा तो वहां भी रहेगा, ये विशिष्ट प्रभा नहीं है। और दृष्टांत के हिसाब से देखते हैं आत्मा को छोड़ दो, तेज है, तेज का स्वभाव प्रकाश है, सामान्य तथ्य सर्वत्र व्याप्त है, सूक्ष्म रूपण सर्वत्र है, पंचीकृत तेज भी है अपंचीकृत तेज भी है, पंचीकृत तेज भी सूक्ष्म रूपण है कारण रूपण सर्वत्र है, और कार्य रूपण विशिष्ट अभिव्यक्ति नहीं है, कार्य रूपण अभिव्यक्ति नहीं है तेज वा, कार्य रूप अभिव्यक्ति ही अंधकार को नष्ट करता है, अंधकार का अविरोधी है कारण रूपा तेज, कार्य रूप तेज ही अंधकार का विरोधी है, इसलिए अंधकार पूर्व अव्यवहित उत्पत्तिगत, अंधकार के अव्यवहित पूर्व कह दिया, अव्यवहित पूर्व में कौन होना चाहिए अंधकार होना चाहिए, तो उत्तर काल में प्रभाव उत्पन्न हुई वो कार्य माना जाएगा, अंधकार अव्यवहित उत्पत्तिगत, अव्यवहित उत्तर काल में उत्पत्ति है स्वभाव जिसका, अंधकार के अव्यवहित अंधकार के पूर्व वृत्ति, उसके अव्यवहित कहने से उत्तर उत्पत्तिगतम कह दिया, मैंने अव्यवहित उत्तर क्षणोत्पत्तिगतम,
ये प्रथमोत्पन्नत्वम की व्याख्या है। अभी जो कारण क्या था उसका विरोधी है ना, अंधकार का विरोधी हमें दिखाना है, किसको? प्रभा को। लेकिन आप कह सकते हैं सामान्य प्रभाव तो है ही नहीं, पूर्व पक्ष कह सकता विरोधी है ही नहीं, सामान्य प्रभाव तो है, सदा रहता है सर्वत्र, इसलिए हमने प्रथमोत्पन्न प्रभावत, ये जो हमने दृष्टांत प्रथमोत्पन्न दिया विशेषण प्रभा का क्यों दिया, उसकी क्या व्याख्या है, प्रथमोत्पन्न का मतलब क्या? तब उन्होंने कहा जहां अंधकार अविविध पूर्व क्षण में हो और उत्तर क्षण उत्पन्न होता है जैसे जो प्रभा, उस प्रभा को हम कहते हैं प्रथमोत्पन्न प्रभा। उसके लिए विशेषण की व्याख्या है अंधकार अवितोत्पत्ति कत्वम, अंधकार के अव्यवहित उत्तर क्षण में उत्पत्ति है जिसका, ऐसा यह प्रभा है, ऐसी यह प्रभा है, यह कहना है हमें। उसके लिए ही प्रथमोत्पन्न विशेषण दिया गया था अंधकार अवितोत्पत्ति पृथ्वी पर प्रभाव में प्रसक्त साध्य और साधन दोनों के वैकल्य दोष का परिहार करने के लिए। तेन च प्रथम पद वय न पद प्रथम वैयर्थ्यम नवा द्वितीय आदि प्रभायाम साध साधन वैकल्यम विस्तृत चन्यत्र उत्पादितम इदम अस्माभिः। से प्रथम शब्द व्यर्थ में नहीं रहा, प्रथम शब्द की व्याख्या करने से, और द्वितीय आदि क्षण के प्रभाव में साध्य हृत दोनों नहीं ये दोष देगा, प्रथमोत्पन्न प्रभाव में साध्य हेतु है, द्वितीय क्षण उत्पन्न प्रभाव में रहेगा नहीं, ये भी दोष हमारा दूर हो गया कि प्रथम की व्याख्या कर दे, अवैध पूर्व हुआ अंधकार, अवैध उत्तर हो चाहे द्वितीय हो तृतीय हो चतुर्थ हो, सभी के अवैध पूर्व में अंधकार मानेंगे। से धारावी ज्ञान के हरे क्षणावचन ज्ञान प्रभा है, से हरे क्षणावचन प्रभा भी अंधकार का नाशक है, ये हम दृष्टांत बनाएंगे। तो साध्य और साध्य वैकल्यता आदि दोष भी ये तेरा मैंने इसी युक्ति से निरस्त हो गया। धारावी ज्ञान की बात कही थी, प्रभा की नहीं ना, वो तो शास्त्रार्थ में धारावी ज्ञान में दोष दिया था उसने, द्वितीय क्षणावचन ज्ञान फिर अप्रमा हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा प्रथम क्षण का, कहते नहीं हम क्षण भेद यानी ज्ञान भेद मान लेंगे, दोनों अनधिगत अर्थ का ही बोधक हो रहा है, अधिकारत अर्थ का नहीं, तद्भुत में या लेना है वो दृष्टांत है। तदारहिक में अव्याप्ति नहीं है प्रभा का लक्षण का, तद्वत द्वितीय क्षणावचन आदि जो है प्रभा में भी अव्याप्ति आदि दोष नहीं आएगा, ये कहना है। अच्छा कोई भी दोष प्रसक्त नहीं होता, और इस बात को और विस्तार से जानना चाहेंगे तो आप हमारे द्वारा उत्पादित जो ग्रंथ है सिद्धांत बिंदु आदि ग्रंथों में आप देख सकते हैं। इस प्रकार से सिद्धांति का अनुमान सिद्ध हो गया और इससे अज्ञान हमने सिद्ध कर दिया। कैसा अज्ञान? अनादि भावत्व ज्ञान विरोधित्व आदि से विशिष्ट अज्ञान को हम सिद्ध किया अनुमान से, केवल अज्ञान को नहीं, केवल अज्ञान अनुमान का विषय ही नहीं है, वो तो साक्षी वेद्य है, से विशिष्ट अज्ञान प्रमाण वेद्य होने से हम अनुभूति प्रमाण प्रमा के द्वारा सिद्ध कर दिए हैं। तब वो कहते तुम्हारे अनुभूति गलत है, हम सत्य प्रतिपक्ष खड़ा कर दे रहे हैं, सत्य प्रतिपक्ष खड़ा करेगा, छह में दो से जगह खंडन करेंगे, दो को इकट्ठा ले रहे देखिए। अनादि श्रुति भावत्वम एक पक्ष, अथवा अनादि द्विशति अभाव विलक्षणत्वम, वा पक्ष में दो कर दिया, पक्ष दो होने से तद अनुसार हेतु दो कर देंगे। साध्य किए न निवर्त्य निष्ठम, यह निवर्त्य निष्ठ नहीं है, अनादित्य स्थिति भावत्व नाम का जो अज्ञान है या अनादित्य स्थिति अभाव विलक्षणत्व नाम का जो आपका अज्ञान है, ये दोनों ही निवर्तन में नहीं होता, न निवर्त्य निष्ठम। क्यों? अनादि भाव मात्र वृत्ति धर्मत्वात्, अनादि भाव मात्र वृत्ति धर्म होने से, अथवा अनाद्य भाव विलक्षण मात्र वृत्तित्व, मात्र शब्द जोड़ के ले लेता हेतु, पक्ष मात्र शब्द छोड़ के है और हेतु मात्र शब्द जोड़ के किया है उसी चीज को, आत्मत्व दृष्टांत बनाता है आत्मत्व दो। यदि अज्ञानम निवर्त्यम स्यात् तरह अनादित्विष्ट भावत्वम न स्यात्, आत्मत्व आत्मनिवर्त्य क्या और अनादि भाव मानते हो कि नहीं, इसलिए यदि अज्ञान आत्मा के समान अनिवर्त्य है फिर वो भी अनादि भाव नहीं हो सकता आत्मा के समान, तभी मानेंगे ना, नहीं तो कैसे मानेंगे। यदि अज्ञान निवर्त्य है
फिर वो आत्मा के समान अनादि भाव नहीं हो सकता, आत्मा अनिवर्त्य है अनादि भाव होने से। इसे अज्ञान को भी अनिवर्त्य कहना पड़ेगा, यदि आप अनादि भाव खाओगे तो निवर्त्य कह नहीं सकेंगे आप। एवमेव उसको भी घटा लेना है आत्मत्व में। आत्मा कैसा है? अभाव विलक्षण है, अनादि होते हुए अभाव से विलक्षण है, भाव पदार्थ है। इसलिए अज्ञान को भी यदि आप अनादि होते हुए अभाव विलक्षण कहना चाहेंगे फिर आत्मा के समान उसको भी अनिवर्त्य मानना पड़ेगा, निवर्त्य नहीं रह जाएगा तो द्वैत सिद्ध हो जाएगा। अज्ञान भी अनादि भाव पदार्थ है, ज्ञान भी अनादि भाव पदार्थ हो गया। दो अनादि भाव पदार्थ मानेंगे तो नित्य हो, फिर तो द्वैत आपत्ति है। इस तरह से अज्ञान में निवर्त्यत्व को भंग करेगा वो, तो आपका अनुमान खंडन हो जाएगा, ये इनका कारण है। एवमेव एक और दूसरा बनाता है, देखो निवर्त्यत्वम वा निपक्ष निवर्त्यत्वम, जो निवर्त्य होता है उसका स्वभाव कैसे होता है वो बता रहा है। न अनादि भाव अनिष्ठम, एक साध्य वो अनादि भाव अनिष्ठ नहीं होता जो निवर्त्य होता है। अनादि भाव विलक्षण इष्टम न इति वा, और अनादि अभाव विलक्षणिष्ठ भी वो नहीं होता जो निवर्त्य होता है। ये शुक्ति रजत निवर्त्य है प्रमा के द्वारा, जो निवर्त्य होता है वो अनादि भावनिष्ठ नहीं होता। आत्मादि में नहीं है ना निवर्त्यत्व, अनादि भाव है आत्मादि, आकाश काल दिग आत्मा, अनादि भाव होने से उन्हें निवर्त्यत्व नहीं है। इसलिए जो निवर्त्य हमेशा क्या होता है वो अनादि भावनिष्ठ नहीं होता, उल्टा हो गया। इसलिए अज्ञान यदि निवर्त्य है फिर तो आपके मत के अनुसार अज्ञान में अनादि भाव तो धर्म नहीं रहेगा, कि जो निवर्त्य होता है वह अनादि भाव नहीं होता, जो निवर्त्य होता है वह अभाव विलक्षण भी नहीं होता, जैसे कि आत्मा। न इति वा, दो साध्य कर दिया, पक्ष एक है यहाँ साध्य दो, इसे वो भी दो अनुमान हो गया, दो पक्ष को लेकर दो हेतु को लेकर दो अनुमान वो हो गया। यहाँ पर एक ही पक्ष भले ऐसा हेतु भी एक है किंतु साध्य दो हो जाने से भी दो अनुमान हो गए, चार अनुमान कर दिया उसने। निवर्त्य मातृत्व कि ये न अनादि भावनिष्ठत्व वो निवर्त्य मातृवृत्ति होता है, और अनाद्य व विलक्षणत्व निष्ठत्व न यह भी निवर्त्य मातृवृत्ति होता है। प्राग अभावत्व तो अब यह अपने दृष्टांत देता है प्राग अभावत्व के समान, कि प्राग अभाव कैसा है निवर्त्य है, इसे अनादि भाव नहीं है और अभाव से विलक्षण भी नहीं है, अभावी है वो प्राग अभाव, भाव रूप नहीं ना, अनादित्व सिद्ध भावत्व नहीं है ना, बोले अनादि उसे क्या ले रहा है, विशिष्ट रूप जो स्वरूप आप ले रहे हो वो उसमें नहीं है। अनादि भावनिष्ठत्वम न ये प्रागभाव में आ गया साध्य, और हेतु तो ही निवर्त्य मात्र वृत्ति है वो। इसे उसका कहना है कि ये चौथा अनुमान से भी तीसरे चौथे से भी आपका अनुमान खंडन हो गया। उसका तात्पर्य क्या है, उसका मतलब इष्ट इस तृतीय अनुमान से अनादि भावों में प्रमाणिवर्त्यत्व नहीं सिद्ध कर रहा है, इसलिए यदि अज्ञान अनादि भाव है फिर प्रमाणिवर्त्य नहीं रह गया, ये उसका विष्ट सिद्धि है। चौथे में भी वही बात है, अनादि अभाव विलक्षण अज्ञान में यदि मान लोगे फिर वो प्रमाणिवर्त्यत्व उसमें नहीं रहेगा, तो द्वैत आपत्ति पुनः हो गए। तो पांचवा अनुमान लेता है, इतना ही नहीं अनादित्व वा केवल अनादित्व मात्र खंडन करेगा, न आवरण निष्ठम, न आवरण निष्ठम अनादि मात्र प्रतित्वात् प्राग अभावत्वत्व, प्राग अभावत्व के समान। अज्ञान में अनादित्व को खंडन करने के लिए अनुमान किया, प्राग अभाव कैसा है वो आवरण निष्ठ नहीं है, ये लेना यत्र यत्र अनादि मात्र प्रतित्व तत्र तत्र जो है न आवरणिष्ठत्व यह रहेगा। ये कहाँ दिख रहा हमको, प्रागभाव देखो, अनादि मात्र वृत्तित्व होने के नाते प्राग आवरण निष्ठ नहीं होता, आवरण का विरोधी है ना। इस पांचवें अनुमान के द्वारा भी आत्मे आपके अज्ञान में अनादित्व सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अनादि का स्वभाव ही है वो आवरण निष्ठ नहीं होता, और आप अज्ञान का आवरण निष्ठ मान रहे हैं, घट अज्ञान पट अज्ञान बट अज्ञान इत्यादि आवरणिष्ठ मानते हैं आप, इसीलिए जो आवरणिष्ठ है वो साधी होगा, जो आवरणिष्ठ नहीं है वो अनादि होगा, प्राग भाव के समान। यूं कहकर उसने सिद्ध कर दिया
यदि निवर्तिमात्र वृत्ति प्रागवत्वादि धर्म अनादि भाव वृत्ति नहीं हो सकते तब प्रमाणिवर्त्यत्व भी धर्म भी अनादि भाव रूप अज्ञान में नहीं हो सकता, ये उसका कहना है। अतः प्रमाणिवर्त्यत्व न अज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती। अनादित्व व नावरणिष्ठम अनादिमात्र वृत्तित्वाद प्रागभावत्वत्व अनादित धर्म यदि आवरण वृत्ति नहीं होता तब अज्ञान आवरण को अनादि नहीं कहा जा सकता और इसे साधि मानने पर वस्तुअंतर नहीं कहा जा सकता। आपने वस्तुअंतर कह दिया ना साध्य में, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि सर्वसम्मत साधि ब्रह्म वस्तु से भिन्न होने के कारण ही अनादि अज्ञान को वस्तुअंतर कहा जाता है और वस्तुअंतर पूर्वकत्व प्रमा में सिद्ध कर अज्ञान की सिद्धि परिवर्षित होती है। पहले प्रमा से वस्तुअंतर सिद्ध करना पड़ेगा ना अज्ञान को, तभी इस अज्ञान में अनादि भाव तप दिखा सकते हो। जो आपकी प्रक्रिया थी ये ना वो अवरुद्ध हो जाती है। क्यों? आपके जो अनुमान है सिद्धांती या वादी जो अनुमान को प्रस्तुत करता है ना उसको स्थापन अनुमान कहा जाता है या स्थापन अनुमान शब्द प्रयोग करेंगे। स्थापन अनुमान का जो है विरुद्ध में साक्षात कोई साध्य भाव को साधक हेतु देने की जरूरत नहीं होता है, परंपरिया भी साध्य भाव को साधक दे दो तो भी अनुमान खंडित माना जाता है। जब परंपरा हो रहा है ना एक तरह से आप साक्षात अज्ञान सिद्ध कर रहे हैं, उस अज्ञान में जो अनादि भावत्व का अनादित्व को खंडन करके मैं कह रहा तुम्हारा अनुमान अज्ञान को आदर्श अज्ञान चार उतार अज्ञान को सिद्ध नहीं कर सकता। परंपरा है ये, पहले चार साक्षात अज्ञान खंडन करने वाले, ये पांचवा अनुमान क्या करता है अनादित्वंश मात्र खंडन करके आपके विशिष्ट जो अज्ञान थी अनादित्व से थी भावत्व विशिष्ट जो अज्ञान का जो आप साध्य सिद्ध कर रहे हैं उसे खंडन करेंगे। ये इसकी तरीका है। साक्षात परंपरा विरोधी अर्थ के साधक अनुमान को विप्रतिपक्ष या सत प्रत्यक्ष अनुमान स्वीकार किया गया नहीं न्याय दर्शन में, उस रास्ते को उसने अपनाया है पांचवें अनुमान में। छठा अनुमान करता है प्रमाण ज्ञानम वा अनाद्य भाव अन्य अनादि अनिवर्तकम, कहता है प्रमाण ज्ञान कोई भी है वो अनादि अभाव कौन प्राग अभाव। अनादि अभाव उनके मत में क्या है प्रमा प्राग भाव, उस प्रमा प्राग भाव से अन्य किसी अनादि का निवर्तक नहीं होता। आप प्राग भाव से बिना अन्य अनादि मान रहे किसको अज्ञान को, उस अज्ञान के निवर्तक मानते हो, इसे खंडन कर दिया। प्राग भाव रूपी प्रमा की जो है प्रमा प्राग भाव जो कि अनादि अभाव है उससे भिन्न अनादि कोई अज्ञान आदि नामक पदार्थ का निवर्तक प्रमाण ज्ञान नहीं होता। क्यों? ज्ञानत्व ज्ञान होने के नाते ब्रह्म ज्ञानवत्, फिर ब्रह्म ज्ञान भी क्या करेगा अपने अज्ञान को नष्ट कर लेगा क्या? ब्रह्म ज्ञान भी ज्ञान है ना, इन वह ज्ञान के द्वारा निवर्त्य स्वविशेष ज्ञान को नहीं है। यदि वह अज्ञान को नष्ट करे तो भ्रम ही नहीं होगा, फिर ब्रह्म ज्ञान क्या कहेंगे उसको। इसे वह भी कर क्या रहा है ब्रह्म ज्ञान भी स्वप्रभाव मात्र निवृत्त कर दिया। रजत ज्ञान प्राग भाव था शुक्ति में, उस शुक्ति में रजत ज्ञान उत्पन्न हो गया। शुक्ति में हम क्या देख रहे पूर्व में क्या कहेंगे रजत ज्ञान का प्राग भाव था, उस रजत ज्ञान प्राग भाव को निवृत्त करके रजत ज्ञान होना ही ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए जो रजत ज्ञान ने किया क्या क्या स्व प्राग भाव को निवृत्त किया, स्व अज्ञान को निवृत्त नहीं किया। यदि रजत विषय के अज्ञान को भी निवृत्त कर देता है फिर से भ्रम ही पैदा नहीं। इसे आपको मानना पड़ेगा कि स्व प्रभाव से अलग कोई अनादि भाव कोई चीज है ही नहीं जिसको प्रमा निवृत्त करता है, ये तो ब्रह्म प्रभा में गड़बड़ी होगी। से यत्र यत्र ज्ञानत्वम तत्र अनाद्य भाव अन्य अनादि अनिवर्तकत्वम, ये सिद्ध हो गया ब्रह्म ज्ञान में। ब्रह्मादि ब्रह्मवद इत्यादि ना सत प्रतिपक्षता इत्यादि के द्वारा हम सत प्रतिपक्ष दोष देंगे। भाव पदार्थ को अभाव अन्य कहा है इन्होंने, अनाद्य भाव अन्य कार्य भाव भावत विशिष्ट अनादित्व का वह अनिवर्तक है। अनादि अनिवर्तक है ना, पहले था आदि अनाद्य भाव से अन्य अर्थात भाव और अनादि का अनिवर्तक मैंने भावत्व स्थिति अनादित्व, पहले अनादित्व मात्र वो कर दिए अब भावत्व को लेकर जोड़ दिया। भावत्व स्थिति अनादित्व नाम का कोई वस्तु का निवर्तक ज्ञान नहीं हो सकता,
ये कहता पूर्व पक्ष। परमाज्ञान में स्व प्रभाव व्यतिरिक्त स्व अज्ञान का निवर्त्य अनादि भाव रूप पूर्वकत्व को माना है आपने, उसकी ठीक विरुद्ध प्रतिज्ञा उसने अपने बना दी, अब साक्षात बना दिया। पूर्व वाला अनुमान परंपरा थी, ये साक्षात में आ गए, पूरे आपके अज्ञानों ने खत्म कर दिया। तो भाव रूपता में विवाद करने वाला पूर्ववादी भाव पद से कभी उसको उल्लेख नहीं कर सकता, इसलिए वो ये शब्द जाल बिछाए इस प्रकार के अनाद्य भाव अन्य, कि भावत बोल ही नहीं सकता हो अपने साध्य कोटि शब्द प्रयोग नहीं करेगा वो, इसे अनाद्य भाव बने पराग भाव, उससे अन्य कोई भाव है ही नहीं हमारे मत में जो अनादि हो, जो ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो, ऐसे जब नहीं मानते। इसे अनादि अभाव अन्य अनादि अनिवर्तकत्व ज्ञान में मानता, इसे यत्र ज्ञानत्व तत्र जो है अनाद्य भाव अन्य अनादि अनिवर्तकत्व व्याप्ति बन जाता है ब्रह्म ज्ञान स्थल में, उसके लिए सकल ज्ञानों में घटा दिया, ज्ञानत्व है ही पक्ष में सकल ज्ञानों में, इस तरह से पूर्व पक्षी ले रहा है। ज्ञान सामान्य की सामान्य मर्यादा का अतिक्रमण ज्ञान विशेष ब्रह्म ज्ञान भी उनके अनुसार क्या है नहीं कर सकता है, ज्ञान सामान्य की मर्यादा को ज्ञान विशेष उल्लंघन कैसे कर देगा, कि सामान्य का विरोधी विशेष नहीं होता, सामान्य अनुकूल ही विशेष होता है। इसे सामान्य जो काम नहीं कर सका, अज्ञान नाम की चीज कोई निवृत्त नहीं करने की है ही नहीं, तो विशेष अज्ञान को कहां से निवृत्त कर देगा, वो नहीं कर सकता, ये उसका कहना है। कृत्य अभाव मात्रेण कृतस्य कृतिवत पूर्व प्रकाश अभाव मात्रेण अप्रकाशित प्रकाश उत्पत्तिर अप्रयोजकत्व चिन्ह, और अप्रयोजकता दोष भी दे रहा है मुक्त अज्ञान साधक आपके अनुमान के सत्य प्रत्यक्ष दोष से नहीं है बल्कि अप्रयोजकत्व दोष उसमें रहता है। क्यों अकृतम अनिष्पादित जो घटा दी, अकृतं करोति ये कहा जाता, अकृतं करोति व्यर्थ के नहीं होता है, तो अनिष्पादित घट को अब अपनी प्रयत्न से निष्पादन कर रहा है, अकृतम माने स्व प्रयत्न अनिष्पादितम यत घटम तद इदानिं करोति का मतलब क्या, स्व प्रयत्न स्व प्रयत्न निर्माणं करोति ये अर्थ होता है, वही कह रहे हैं अकृतस्य कृतिवत अकृत घट, अकृतम माने अनिष्पादित घटादि करोति, इस बार में अकृत घट पद से घट विषय कृति के अभाव की उपस्थिति है, कृत्यभाव कृति के अभाव, कृत्यभाव मैंने कृति पहले मेरे इस घटोत्पत्ति के अनुकूल कृति मुझ में नहीं थी, प्रयत्न कृति मैंने प्रयत्न उसके अभाव थी ये मालूम हो जाता है, अब मैं कृति कर रहा हूं पहले नहीं थी वो कृति, वो कृत्यभाव क्या है वही कृति प्रागभाव है, उसी को हम घट प्रागभाव कहेंगे, घटक का घटानुकूल निष्ठ कृति के अभाव ही वास्तव उसका पाल घट प्राग भाव है, इसलिए वो अभाव है भाव रूप नहीं हो सकता। उत्तर काल जो उत्पन्न हुआ घटोत्पत्ति अनुकूल जो कृति ये भाव रूप है, से पूर्व काल जो वस्तु वो अभाव रूप भी मानना पड़ेगा, और अब पूर्व काल में भाव मान रहे उत्तर काल में भाव मान रहे, पूर्व काल में विद्यमान भाव का नाम अज्ञान रख रहे हो, उत्तर काल उत्पन्न भाव का नाम प्रमाज्ञान रख रहे हो, और क्या प्रमारूपी भाव के द्वारा अज्ञान रूपी जो भाव की निवृत्ति कहते हो, ये बिल्कुल व्यवहार और सर्वानुभव का विरुद्ध है। कृतिवत वो इसी प्रकार उसको दृष्टांत बना दिया, अकृतस्य कृतिवत अकृतस्य घटस्य कृतिवत पूर्व प्रकाश अभाव मात्रेण अप्रकाशितस्य प्रकाश पुत्र है, पूर्व में प्रकाश अभाव प्रकाश प्राग अभाव सामान्य था, अतएव अप्रकाशित घट को प्रकाश पुत्र है, वहां कोई पूर्व भाव नहीं था अंधकार अभावात्मक अंधकार, तेजो अभाव तमह उनके मत में है, उसके आधार पर बोल रहा है। इसे अज्ञातम घटम जानाती जैसे अकृतम घटम करोती, अकृतम घटम करोती उसी पर आप यहां कहेंगे अज्ञातम घटम जानाती, एक जैसा है ना, अकृतं घटम करोति अज्ञातं घटम जानाति, जिसे वहां अकृतं घटम में घट प्राग भाव है
इसे अज्ञातम घटम में भी घट का प्रागभाव मानो, घट ज्ञान प्रागभाव, घटात्मक कार्य प्रागभाव थी वहां पर, या घटक के विषय का ज्ञान प्रागभाव मानो। अज्ञातम घटम में घट विषय कृति का प्रागभाव थी ना, अकृतम घटम में घट विषय कृति के प्रागभाव। इस तरह से अज्ञातम घटम में भी घट विषय का ज्ञान प्रागभाव मानो, ये उसका आशय है। तब कहता है पूर्व प्रकाश अभाव मात्र ना अप्रकाशित प्रकाश उपत्ते है अप्रयोजकत्व, आपके हितों में अप्रयोजक है, बने आपके पास का अनुकूल तर्क भी नहीं। कहते अज्ञान साधक अनुमान ज्ञान अभाव की सिद्धि में सही गतार्थ होता है, अज्ञान भाव अज्ञान की सिद्धि में कोई गतार्थ नहीं हो सकता। आपके साध्य के द्वारा भी जो अभाव की ही हो रही है सिद्धि, भाव की नहीं सिद्धि होती। अतः आपका हेतु जो है भाव अज्ञान की सिद्धि में प्रयोजक नहीं है, किंतु अभाव रूपा अज्ञान को सिद्ध करने में ही प्रयोजक बन रहा है। क्योंकि भाव रूपी ज्ञान के साधकत्व आपके हेतु में लाने के लिए, भाव रूपी अज्ञान के साधकत्व आपको अपने हेतु में लाना चाहोगे, उसके लिए अनुकूल तर्क भी तो नहीं आपके पास। ये पूर्व पक्ष का कहने का अभिप्राय। तब सिद्धांत जब ना ऐसा मत कहो, हमने तो अनुकूल तर्क पहले प्रस्तुत कर दिया है। अनुकूल तर्क का भाव है ना प्रयोजकत्वात्, तुम्हारा अनुमान जितने भी है छो के साथ प्रतिपक्ष अनुमान में, एक सामान्य पहले दोष दे दे रहा हूं, छो अनुमानों में अनुकूल तर्क का भाव है ना अप्रयोजकत्वात्, अनुकूल तर्क तुम्हारे मत में ना होने से अप्रयोजक है। सिद्धांति हेतोश्च अनुकूल तर्क सद्भावेन साध्य व्याप्यत्व स्थिति निश्चिते सत् प्रतिपक्ष अप्रयोजकत्वादीनाम अनवकाशात्। और सिद्धांति के अपने हेतु में अनुकूल तर्क सद्भाव हम सदक देख चुके, एक प्रकरण ही हमने बना दिया था उसका, है ना, अनुकूल तर्क विचार आरंभ किया था हमने। और अनुकूल तर्क के द्वारा सद्भाव के द्वारा साध्य व्याप्यत्व हेतु में निश्चित है, इसलिए हेतु हमारा अप्रयोजक नहीं हो सकता, साध्य का साधक ही बनेगा। निश्चित सत् प्रतिपक्ष और अप्रयोजकत्व आदि नाम अनवकाशत्वात् इत्यादियों का कोई अवकाश नहीं है। हमारे अनुकूल तर्कों को हम 543 पृष्ठ में ही पूर्व में दे चुके संक्षेप में, 543 में यहाँ भी दिया है, पहले अनुकूल तर्क प्रबण तो है ही, यहाँ भी 543 में देखेंगे ना आप, वहाँ दिया है अंत में अनुकूल तर्क। यदि भाव रूपम अज्ञान न सियात तथा तदुक्तम अर्थम न जानामी थी साक्ष्य पर प्रतीतिर न सियात, ये जो चीज है प्रस्तुत किए थे, तदुक्तम अर्थम न जानामी थी प्रतीत अन्य अधिरूप प्रागोक्त एव, सिद्धांत की तीसरी पंक्ति ऊपर में अनुकूल तर्कश्च 543 में ऊपर से तीसरी पंक्ति अनुकूल तर्कश्च तदुक्तम अर्थम न जानामी थी प्रतीत अन्य अनुपत्यादि रूप प्रागुक्त एव, वो भी हम पूर्व में विस्तार रूप समझा चुके हैं। कह संक्षेप यहां भी याद दिला दिया, पूर्व में भी कह चुके थे, पूर्व तो पूरा एक प्रकरण उठाए थे, इस प्रकरण में भी यहां बोल चुका हूं अनुकूल तर्क। और तुम्हारे हेतु के कोई अनुकूल तर्क नहीं,